मजदूर इत्तेहाद लेबर यूनियन की जानिब से 75वां यौमे आज़ादी का प्रोग्राम मुनक़द किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद मजदूर इत्तेहाद लेबर यूनियन के मरकजी दफ्तर गुलशन इकबाल टाउन नेपा वर्कशॉप में मुनक़द किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी गुलशन इकबाल जोन के एडी शाहिद पराचा ने शिरकत की। कराची म्यूनसिपल वर्कर अलायंस के सदर मीर अक्रम बलोच और जनरल सेक्रेटरी साबिर परवेज हबीब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ तनौली, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी सरदार समंदर गिल गुजर ने शिरकत की। दूसरी जानब मजदूर इत्तेहाद लेबर यूनियन के मरकजी सदर परवेज हबीब, जनरल सेक्रेटरी फलक शेर बूटा, सरप्रस्त अली मलिक, मीर आजम, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी आरिफ आशिक भट्टी, मुनवर अल्ला रखा, सलीम अख्तर, सईद अतर अली, जाहिद सराज, आबिद शाह, जब से डिस्ट्रिक्ट साउथ मजदूर इत्तेहाद लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास चश्ती, इकबाल भाई दोस्त मोहम्मद साजिद हसैन मास्टर, जॉर्ज पप्पू, मकसूद भाई और दीगर मजदूर रहनुमाओं और मजदूरों ने इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पूरी फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी और इस मौके पर पाक फौज के शहीदों को सुर्ख सलाम पेश किया गया और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस दौरान कौमी तराना भी बजाया गया और परचम कुशाई के बाद केक कटिंग सेरेमनी मुनक्कद की गई और तमाम लोगों में केक तकसीम किया गया। पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई।